IBN9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के एमजी रोड पर स्थित जवेरी राम मंदिर की एक बेशकीमती 25 बीघा जमीन जो अब रोड देवास पर मौजूद है। मंदिर के ट्रस्टियों ने सालों पहले प्रशासकीय अधिकारियों को गुमराह कर 500 करोड़ मौजूदा कीमत की इस जमीन के छोटे छोटे टुकड़े कर कई लोगों को रजिस्ट्रिया कोड़ियों के दाम पर कर दी। इस फर्जीवाड़े को लेकर जब शासन द्वारा ट्रस्ट को निरस्त कर दिया गया तो उक्त निरस्ती आदेश के विरुद्ध कई ट्रस्टियों ने एमपी हाई कोर्ट की शरण ली। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों में से कुछ आदेश शासन के पक्ष में, कुछ ट्रस्टियों क्रेता के पेश में गए। इस विरोधाभास की स्थिति की वजह से 2012 से लेकर आज तक शासन के द्वारा जमीन के कब्जे को लेकर किसी भी तरह की कोई विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की गई है। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज देवास आए। सबसे पहले उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए, तत्पश्चात देवास कलेक्टर से भी मिले और इसी संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो स्वयं राम भक्त हैं और भगवान राम की जमीन राम भगवान राम तक पहुंचना चाहिए, यही उनका मकसद है और इसीलिए वह देवास आए हैं। दिग्विजय सिंह ने देवास के जनप्रतिनिधियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान राम की जमीन औने पौने दाम पर बिक गई और जनप्रतिनिधि आज तक मौन है। आपको बता दे, अरबों रुपए की इस बेशकीमती 25 बीघा जमीन पर कॉलेज, शादी गार्डन, पेट्रोल पंप, कार बाजार तथा अन्य व्यवसायिक संस्थान बन गए हैं। वैसे राजस्व रिकॉर्ड में जमीन आज भी मंदिर के नाम ही है। वहीं इसी मामले को लेकर पूर्व विधायक दीपक जोशी ने कहा कि देवास शहर में मेडिकल कॉलेज के लिए कोई जगह नहीं है, है यह जमीन किसी बड़े मेडिकल कॉलेज के निर्माण के काम आ सकती है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर एक बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने भी जमीन को लेकर उचित कार्यवाही का कहा है। राम मंदिर की जमीन के मामले को जनता के बीच लाने में एडवोकेट सिद्धार्थ माहौरकर, कांग्रेस नेता साधना प्रजापति, धर्मेंद्र कुशवा, पंडित रितेश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जय सिंह आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और जवेरी श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जो भूमि थी उसकी खरीदी बिक्री को लेकर आपसे लंबी चर्चा हुई, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि एक हमारे यहाँ पर राम मंदिर है, राम जवेरी मंदिर नाम से पॉपुलर यहाँ पर प्रसिद्ध है। उसके संदर्भ में 1976 में एक पब्लिक ट्रस्ट फॉर्म हुआ था, जिसके संदर्भ में 1979 में मंदिर की जो भूमिया है उसकी बिक्री करने की विधिवत परमिशन जो तत्कालीन रजिस्ट्रार एसडीएम महोदय थे उनके द्वारा दी गई। लगभग सन 2000 के आसपास कुछ कंप्लेंट्स हुई जिसके आधार पर मामले कोर्ट्स में गए, सिविल कोर्ट से भी कुछ निर्णय आए उसके आधार पे कि किस प्रकार से ट्रस्ट चलना चाहिए। इसके अलावा सन 2012 में तत्कालीन जो रजिस्ट्रार महोदय थे उनके द्वारा ये ट्रस्ट भंग भी किया गया और संपूर्ण प्रॉपर्टी को सरकारी भी किया गया। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो प्राइवेट पार्टीज थी जिन्होंने जमीन खरीदी हुई थी वो रिट पिटिशंस में हाईकोर्ट से अराउंड 4 से 5 हाईकोर्ट के ऑर्डर आए हैं, जिसके आधार पे जो SDM का ऑर्डर है जिसमें उस जमीन को खारिज किया गया था और ट्रस्ट को भंग किया गया था, उन दोनों ऑर्डर्स को अपहेल्ड नहीं किया गया और दोनों ऑर्डर्स को खारिज किया गया बेसिकली। सो उसकी अभी रिट अपील्स चल रही हैं। ये सभी लीगल स्टेटस आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा हुई है उसकी और आगे हम क्या करेंगे इसमें, इस संदर्भ में भी बात हुई है। सर एनुअल ऑडिट रिपोर्ट भी आज तक नहीं आई है ट्रस्ट की, उसे लेकर भी आपने कहा है कि एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ही बुलाएंगे 1974 से लेकर अभी तक, साथ ही साथ सिविल सूट करने की भी बात कही है। दो तीन बातें हैं इसमें, आगे हम कैसे बढ़ेंगे। एक, सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट में बैठ जाएंगे। जब ट्रस्ट फॉर्म हुआ था और जो जमीन की बिक्री हुई थी वो कुछ कंडीशंस के आधार पर हुई थी, उन कंडीशंस का फुलफिलमेंट किया गया है कि नहीं उसको चेक करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट मंगवाई जाएंगे। दूसरा, जो हमारी अभी रिट अपील्स चल रही हैं उसमें शासन अच्छे से शक्ति से अपना पक्ष रखेगा। और तीसरा, जहाँ तक बात है टाइटल की,
टाइटल क्लैरिटी के लिए भी आगे प्रयास किए जाएंगे। हाँ, जो भी टाइटल क्लैरिटी के लिए प्रयास हो सकते हैं, अगर सिविल सूट ऑप्शन है तो वो भी, बट क्लैरिटी इसमें लाएगी, क्योंकि आज की तारीख में संपूर्ण जमीन ये शासकीय है और इस आधार पर हमें शिकायतें भी आ रही हैं कि हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही हैं, और साथ में इस ऑर्डर को जिसके आधार पर शासकीय की गई थी रिट पिटीशन में खारिज भी किया गया है, तो दैट मीन्स टाइटल के संदर्भ में आज भी कन्फ्यूजन है। और चूंकि अभी हमारी रिट अपील्स चल रही हैं, तो टिल द एंड ऑफ द रिट अपील्स आई थिंक इस पर कुछ भी कहना टाइटल के संबंध में अभी जल्दी होगा। आपको लगता है सर इतनी बड़ी भूमि जो है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता और लापरवाही, बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, बेच दी गई, खरीदी बिक्री हो गई, उसका डाइवर्जन तक हो गया? हालांकि ये फील करना बड़ा नेचुरल है, किसी भी चीज़ में जब कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो पक्का कुछ गड़बड़ हुआ ही होगा। लेकिन जो ऑर्डर्स कहते हैं, 1976 का विधिवत ऑर्डर है SDM का, जिसके आधार पर ट्रस्ट फॉर्म किया, 79 का बहुत ही एक लीगल ऑर्डर पारित किया गया है जिसके आधार पर परमिशन दी गई है जमीन को बेचने की, तो प्राइमा फेसी एज सच हमारे एंड पे कमेंट करना जब तकलीफ चल रही है कि वो सही हुआ या गलत हुआ, ये थोड़ा सा जल्द होगा। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि चूंकि हाईकोर्ट में मामला अभी प्रचलित है, जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ने नॉलेज में डाला है, क्या आपका कहना है? और उनका यही कहना है कि इस पर जो है राजनीति नहीं होना चाहिए, सीधा सा उन जिसका हक है उनको मिलना चाहिए। देखिए, मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ, देवास शहर में रह रहा हूँ, 90 से मैं देवास शहर का निवासी हूँ। इस नाते से देवास के विषय में कुछ जानकारियाँ जो समय समय पर आती हैं उसका अध्ययन करते हुए कोशिश करते हैं कि देवास के हित में क्या काम करें। देवास में तीन चार चीज़ें देखने में आती हैं कि जैसा एक्शन तो रुक ही गया, लेकिन साथ में शिक्षा के क्षेत्र में देवास सबसे पिछड़ा हुआ मेरे ख्याल से जिलों में माना जाएगा। विदिशा, खंडवा, बुरहानपुर हमसे छोटे छोटे जिले, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में हमसे आगे। तो ऐसे दृष्टिकोण में हमने सोचा कि देवास में क्या कोई मेडिकल कॉलेज आ सकता है, कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन आ सकता है, कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज वाला कॉलेज आ सकता है। ऐसे दृष्टिकोण में देखने के बाद लगा कि देवास में कोई जमीन नहीं है, बहुत दूर दूर है ग्रामीण क्षेत्रों में। कुछ लोगों से जब चर्चा हुई तो उनका कहना था कि हमारे पास एक जमीन है जो सरकार के जो कुछ लोगों के कब्जे में है, उसको अगर चाहे तो सरकार ले ले। देखने में आया कि 25 बीघा जमीन जवेरी मंदिर की मिली, लेकिन जवेरी मंदिर के उसमें राजा जो देवास के छोटे राजा थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये मंदिर के रखरखाव के लिए होगी, इसका दूसरा उपयोग नहीं करते। मंदिर का मालिक राम भगवान होंगे, जैसे राम मंदिर के मामले में निर्णय हुआ कि राम जी की साइलेंट मूर्ति जो है वो मालिक रहेगी और बाकी सब काम। इसी आधार पर हमने आगे प्रयत्न करके कोशिश की कि क्यों ना इस ज़मीन को वापस लिया जाए, लेकिन जब हमने माननीय डिवीजन जी को बताया कि साहब इसमें थोड़ा सा हमको अच्छे वकीलों की आवश्यकता लगेगी, कुछ अच्छा गाइडेंस लगेगा, तो आप बताइए किसको देना, तो उन्हें लगभग 1.5 घंटे का समय मेरे साथ दिया था और कुछ वकीलों के साथ बैठे थे वो, 1.5 घंटे बाद उनका भी निकल निकला कि तो बहुत बड़ी गलत बात हो गई देवास के अंदर। हमारा यही कहना है कि क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, दूसरी बात भी अपनी जगह है, लेकिन जिन लोगों ने गलती की, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे ट्रस्ट से जुड़े लोग हों या जनप्रतिनिधि, क्या उनकी जवाबदेही फिक्स नहीं होना चाहिए? जवाबदेही फिक्स होना चाहिए। तो हमने आज कलेक्टर से, मैंने अलग से अनुरोध ये किया कि आप जवाबदेही फिक्स करिए, किस SDM के टाइम, किस पटवारी के टाइम, किस तहसीलदार के टाइम, किस कलेक्टर के टाइम की गलतियाँ हुई, गलतियाँ सब स्वीकार करेंगे, गलतियाँ हुई लगातार, गलती पे गलती, तो उस गलती को ठीक करने का कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। जो तीन बातें उन्होंने रखी है माननीय दिग्विजय सिंह जी के सामने, जो कि हमारे नेता, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अपन कुछ वेट करें, वेट करने के बाद अगर हुआ तो जैसा राम मंदिर के लिए कार्यसेवा हुई, अगर कार्यसेवा पड़ी तो कार्यसेवा बिक चुकी है भैया जमीन। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि कई लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है, तो अब हम नुकसान भी नहीं चाहते, तोड़ने से संभव होगा नुकसान तो हम भी नहीं चाहते, नुकसान किसी का हम नहीं भैया इसमें, लेकिन अधिकारियों ने मेरा कहना जानबूझ के चुप की, कुछ नेताओं का इसमें हाथ है। कौन नेता है, नाम आपके पास? आप तो स्टडी कर रहे हो, नहीं तो आप बताइए ना कौन है जो नेता, आप तो स्टडी कर रहे हैं। हाथ आएगा क्योंकि कानूनी मामला है, मैं इस पर आज नहीं कह सकता, लेकिन राजनीतिक सरकार आरोप तो लगा सकते हैं। दीपक भैया चीज मानते हैं आप कि आप राजा साहब को बताने में लेट हुए? नहीं देखिए, मैंने जब स्टडी आपने 4 महीने पहले पत्रकार वार्ता लिखी, उसके बाद 3 दिन मेरे राजा साहब खुद बोल गए। कागज जुटाने में समय लगा, इसमें खरीदार के साथ साथ बेचने वाले के साथ खरीदार भी अपराधी है, क्योंकि 3.5 लाख रुपए में कोड़ी भाव उसने खरीदी। दोनों भैया, तो उनके खिलाफ भी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट बुलाई जाएगी 1976 से लेकर अभी तक,
साथ ही सिविल सूट करने की आज बात की जा रही है, आपको नहीं लगता कि इस बड़ी वित्तीय अनियमितता में लापरवाही हुई है, देरी हो गई? हमने यही तो कहा कि जब वो एनुअल ऑडिट की बात कर रहे हैं, हमने कहा एनुअल ऑडिट के साथ अधिकारियों को भी ऑडिट करो ना, किस SDM के टाइम हुआ, किस पटवारी के टाइम हुआ, किस कलेक्टर के टाइम हुआ, आप उसको क्यों नहीं जिम्मेदार मानते, उस जिम्मेदारी को मानते हुए आगे बढ़ो। कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, दोषियों कार्रवाई नहीं, जमीन वापस चाहते।